कहानी शुरू करने से पहले आज मैं एक शाउट आउट देना चाहूंगी हमारी बहुत ही प्यारी सब्सक्राइबर भावना ट्याडे को, जो बहुत ही समय से हमें ये मूवी एक्सप्लेन करने को कह रही थी और आज उन्हीं के सजेशन पे ये कहानी है। इस कहानी को देखने के बाद हमें लगता है आप सभी को ये कहानी एक बार जरूर सुननी चाहिए और अंत में जरूर बताइएगा कि इस कहानी का आपका क्या पहलू होगा। थैंक यू भावना ट्याडे इतनी बेहतरीन कहानी सजेस्ट करने के लिए। तो पूरी कहानी सुने, पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें और इस चैनल को पक्के से सब्सक्राइब करें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो। साथ ही दोस्तों हमारा दूसरा चैनल भी है मूवी स्ट्राइप 2.0 के नाम से, आप वो चैनल भी ज़रूर सब्सक्राइब करें, वहाँ भी हम कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा मूवी अपलोड करने की। 2005 की मूवी 15 पार्क एवेन्यू, डायरेक्टर अपर्णा सेन, आईएमडीबी रेटिंग 7.2। चलिए कहानी सुनते हैं। मीठी यानी मिताली कुछ 30 साल की होगी, अपनी बड़ी बहन अंजलि के साथ एक पति को ढूंढने निकली है 15 पार्क एवेन्यू। अंजलि ने उसके मुंह से इस पति का जिक्र बार बार सुना है और बहुत बार समझा भी चुकी है कि ऐसी कोई जगह है ही नहीं, मगर मीठी नहीं मानती। असल में मीठी एक दिमागी रूप से बीमार मरीज है और अंजलि बड़ी बहन होने के नाते उसका ख्याल रखती है। वो दोनों आज भी अपनी माँ के साथ एक छत के नीचे रहते हैं, तो आज मीठी के जिद पर वो उसे यहाँ लेकर चली आई। काफी देर यहाँ वहाँ भटकने के बाद अंजलि ने झल्लाते हुए कहा, ये सब क्या है मीठी, मुझे कॉलेज जाने के लिए देर हो रही है, मेरे लेक्चर का टाइम हो रहा है और मैं नहीं चाहती कि बच्चों को क्लास में इंतजार करना पड़े। मगर मीठी तो अपने ही ख्यालों में बुदबुदा रही है। यहाँ कोने पे एक सफेद सा 2 मंजिला मकान था, एक बड़ी सी काली रंग की गेट और बगल में नेम प्लेट पे जयदीप और मेरा नाम लिखा था। अंजलि ने उसे बुलाने के लिए कहा, याद है ना मीठी, आज भैया भाभी आने वाले हैं उनके नए बच्चे को लेकर। मीठी ने एक हाम ख्याली में जवाब दिया, मेरे भी तो 5 बच्चे हैं, वो मेरा इंतजार करते होंगे, उन्हें छोड़कर चली जाऊं। अंजलि को मालूम है ये तर्क कभी खत्म नहीं होने वाला, मीठी के 15 पार्क एवेन्यू का घर और उसके 5 बच्चे। उसने गाड़ी घुमाई और जबरदस्ती उसे लेकर वापस घर आ गई। अब शाम को उनका भाई रमेश अपनी पत्नी और बच्चों के साथ घर आया। इस घर का बेटा होने के बावजूद रमेश को अपनी बीवी बच्चों के अलावा इस परिवार की कोई फिक्र नहीं, वो महीने में एक बार आकर मुंह दिखाकर चला जाता है। मीठी को बच्चे बहुत पसंद है, वो उनके कुछ महीने भर के बच्चे को गोद में लेना चाहती है। माँ के मना करने और रमेश के ऐतराज के बावजूद अंजलि ने मीठी की गोद में बच्चा रखने को मना लिया, क्योंकि वो ही मीठी के सबसे करीब है, उसे मालूम है मीठी किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। बच्चे को गोद में लेते ही मीठी बोली, अरे मैंने मेरे 5-5 बच्चों को बड़ा किया है, और उनके नाम गिनने लगी, नयनतारा, निलंजन, उर्मिला, विक्रम। इस तरह सभी को मीठी का मजाक उड़ाते देख अंजलि को कभी अच्छा नहीं लगा। फिर रात के वक्त सबके सो जाने के बाद अंजलि अपनी थीसिस लिखने बैठी। वो एक कॉलेज में प्रोफेसर है, फिजिक्स पढ़ाती है। तभी कमरे के बाहर से किसी की फुसफुसाकर बात करने की आवाज आ रही है। जाकर देखा तो वो मीठी है। उसके ख्याल में उससे 5 बच्चे मिलने आए हैं और वो उन सबसे रोजमर्रा की बातें कर रही है, कभी गुस्सा करती तो कभी उनसे प्यार जताती, जैसे वो सच में उसके सामने बैठे हो। अंजलि काफी देर तक ये हरकतें देखती रही, क्या कर सकती है वो इससे ज्यादा मीठी के लिए। तभी मीठी ने उसे ऊपर खड़ा देखा और बाहर निकलने की कोशिश करने लगी। वो कह रही है, मेरी बेटी गाड़ी में रो रही है, मुझे उसके पास जाना होगा। बड़ी मुश्किल से उसे बाहर जाने से रोका गया और इस बीच उसने कपड़े गीले कर दिए। मीठी की देखभाल के लिए रखी गई औरत आधी रात को फिर से कपड़े धोने, कमरे की सफाई पे गुस्सा करने लगी, जो कि लाजमी है। मगर अंजलि ने मीठी को नहीं डांटा, उसे मालूम है कि बेचारे को कितनी दवाइयां खानी पड़ती है। अब यहाँ कॉलेज में अंजलि के कलीग और एक करीबी दोस्त संजीव को एक विदेशी यूनिवर्सिटी से 1 सेमेस्टर के लिए आकर पढ़ाने का ऑफर आया है। अंजलि एक तलाकशुदा है और संजीव के साथ उसकी नज़दीकियाँ बाकी दोस्तों से ज़्यादा है, वो उसे अपने साथ चलने को कहता है। अंजलि इस बारे में बाद में बात करूँगी कहकर टाल देती है। फिर थोड़ी देर बाद संजीव ने झंझलाहट में कहा, आखिर तुम कब तक मीठी को इस तरह घर पर रख कर अपनी और उसकी ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ करोगी, खुद की ज़िंदगी भी तो आगे नहीं बढ़ रही। अंजलि सब जान कर भी चुप है। अब सुबह के निकली अंजलि शाम तक थक हार कर घर आते ही मीठी की चिक चिक सुनना उसे भी अच्छा नहीं लग रहा।
पता नहीं वो कह रही है कि उसे किसी आदमी ने मारा है, पीटा है। माँ वहीं चुपचाप खड़ी है। फिर मीठी बोली, वो दीदी से उसकी शिकायत कर देगी। मगर ये पहली बार तो नहीं है कि मीठी कहानियाँ बनाती है। अब खाने के बाद रात में अंजलि अपनी रिसर्च पेपर लिखने बैठी ही है कि मीठी दोबारा अपनी वही कहानी लेकर आ गई और फिर कहती है कि मैं यहाँ सुरक्षित नहीं, मेरी नौकरी की पगार मुझे दे दो। वो बैंक ऑफ बड़ौदा में है जो उसने और जोजो यानी जॉयदीप ने जमा किए थे जब वो बगदाद का प्रेसिडेंट था। अब झुंझलाहट में अंजलि ने उसे अपने कमरे से जाने को कहा, तभी उसे संजीव का फोन आया। वो अंजलि को भी उसके साथ लंदन चलने को कहता है, जहाँ के एक विख्यात यूनिवर्सिटी में उसे पढ़ाने का मौका मिला है। वैसे भी वो कह रही थी कि उसे अपने रिसर्च के लिए काम से कुछ महीनों का ब्रेक चाहिए, लेकिन फिर से वही मीठी और माँ की बात सुनकर संजीव भी अब उबने लगा है। इतने साल इंतजार करने के बाद भी उसे क्या मिला? वो मीठी को पागलखाने और माँ को वृद्धाश्रम छोड़ने की बात करता है, जिस पे अंजलि और झल्लाने लगी और गुस्से में फोन काट दिया। अंजलि एक आत्मनिर्भर लड़की है। वो अपने हालातों के लिए ना ही किसी को दोष देती है, ना ही किसी की राय चाहती है, चाहे वो संजीव ही क्यों ना हो। अब वो दोबारा लैपटॉप के सामने बैठी ही थी कि माँ पीछे से रोते हुए आ गई। इससे पहले कि वो माँ को भी दो बातें सुनाती, मीठी मीठी को कुछ हो गया है, सुनकर अंजलि दौड़कर उसके कमरे की तरफ भागी। मीठी ने अपनी हथेली की नसें काट ली है, तुरंत अस्पताल ले जाया गया। तब तक संजीव और रमेश भी पहुंच गए। पुलिस ने केस को संभाल लिया, क्योंकि ये पहली बार नहीं है कि मीठी ने जान लेने की कोशिश की है। डॉक्टर कुछ और दिन मीठी को अस्पताल में रखने को कह रहे हैं, उसकी दिमागी हालत पे कुछ टेस्ट करने हैं। फिर माँ ने अकेले में अंजलि से रोते हुए कहा, मुझसे एक बहुत बड़ी भूल हो गई है। कल दोपहर घर की कामवाली की बात सुनकर वो एक तांत्रिक बाबा को घर ले आई थी। उसने कहा कि मीठी बिल्कुल ठीक हो सकती है, उस पे कोई साया है जिसे वो उतार देगा, और मीठी को उसने बहुत मारा। यानी मीठी इतनी देर से अंजलि से जो कहने की कोशिश कर रही थी वो सच है। मीठी के टेस्ट एक बार फिर से शुरू किए गए। इस बार उसका केस डॉक्टर अमित बौरा हैंडल कर रहे हैं। मीठी की केस हिस्ट्री से पता चला कि इससे पहले वो एक बार पागलखाने में भर्ती हो चुकी है, मगर साल भर के अंदर ही उसे घर लेकर आ गए थे। अब अंजलि डॉक्टर अमित को शुरू से पूरी कहानी बताने लगी। रमेश के पैदा होने के बाद ही बाबा चल बसे, और उसके कुछ 7-8 साल बाद माँ ने बाबा के दोस्त से शादी कर ली, जिसे मैं शादी के बाद भी अंकल कहा करती थी, और फिर पैदा हुई मीठी। वो मुझसे तकरीबन 18 साल छोटी है। मैंने उसे अपनी बेटी की तरह देखा है। वो बचपन से ही सबसे अलग थी, किसी से ज़्यादा बातें नहीं करती, ना खेलती थी, हमेशा अपने में ही गुम रहती। मगर उसके पागल होने के पीछे भी एक लंबी कहानी है। तब मीठी के कॉलेज से निकले कुछ साल हो चुके थे। एक दिन वो मेरे यूनिवर्सिटी आई। उस वक्त मीठी एक न्यूज़ चैनल के लिए काम करती थी, और उसे एक स्टोरी कवर करने कोलकाता शहर से बाहर जाने को कहा गया। उसने मुझे साथ चलने को कहा, पर उस समय मेरा एक सेमिनार था दिल्ली में, मेरा शेड्यूल बहुत टाइट था। मैंने उसे इस तरह अकेले जाने से मना किया, बॉस अगर दबाव डाले तो जॉब छोड़ देना, क्योंकि मीठी कभी भी किसी एक जॉब पे ज़्यादा दिनों तक नहीं टिकती, तो इसे भी छोड़ना कोई बड़ी बात नहीं थी। मगर वो इस बार जाना चाहती थी, क्योंकि उसका मंगेतर जोजो को लगता है कि वो कोई काम लंबे समय तक नहीं कर सकती। मीठी को लगा कि उसे खुद को साबित करना होगा, पर मैं जाने को राजी नहीं हुई और उसे भी अकेले जाने से मना कर दिया। तब उसने मुझसे एक झूठ कहा कि वो कैमरामैन के साथ जा रही है। वहां जाकर सबूत इकट्ठा के वक्त हादसे में मरे लोगों के परिवार वालों से बात करते हुए वो कुछ बुरे लोगों की नजर में आ गई। आप भी समझते हैं किस तरह की गंदी राजनीति आजकल हो रही है। कुछ गुंडों ने होटल में आकर सारे सबूत मिटा दिए और मीठी को बर्बाद कर दिया। ये सब मेरी गलती है, अगर मैं उसके साथ होती तो ऐसा कभी नहीं होता। पूरी बात सुनकर डॉक्टर अमित ने कहा, सबसे पहली बात तो अंजलि, अपने आप को दोषी ठहराना बंद करो, क्योंकि मेरी मानो तो ये दौरे जो मीठी को अब पड़ते हैं उसकी वजह सिर्फ रेप नहीं हो सकता। माना कि धक्का लगा है उसे, लेकिन फिर भी सिज़ोफ्रेनिया की एक अलग हिस्ट्री होती है जो बताता है कि ये जेनेटिक है, यानी हमारे डीएनए में पहले से ही इसके लक्षण होते हैं। क्या पता, हो सकता है ये ट्रिगर उस दिन के बाद से हो गया हो, या और भी कई चीज़ों से ट्रिगर हो सकता है। क्या तुम्हें पहले से मीठी की हरकतों में कुछ अजीब नहीं लगा जब वो स्कूल या कॉलेज में थी? अंजलि अब सोच में पड़ गई, फिर बोली, कभी कभार उसकी बातें थोड़ी अजीब तो होती थी, पर हम में से किसी ने इतना सोचा नहीं। जैसे जब वो स्कूल में थी, एक दिन कहने लगी कि मैं स्कूल नहीं जाऊंगी,
क्योंकि आसपास के बच्चे उसका दिमाग पढ़ लेते हैं, उन्हें सब पता चल जाएगा। और भी ऐसी कुछ घटनाएं अब मेरे जहन में आने लगी है जिसे मैं मीठी के अंदर गहराई में दबी सिज़ोफ्रेनिया से रिलेट कर सकती हूँ। उसकी ये बीमारी की झलक हमें समय समय पर मिलती रहती थी और बीच बीच में दवाइयाँ भी चलती रहती। अब उसके बाद फिर जब बार बार वो खुदकुशी की कोशिश करने लगी, माँ काका और सबकी रजामंदी से उसे पागलखाने भेज दिया गया। मगर फिर एक साल बाद ही उसे घर ले आए क्योंकि वो खामोश हो गई थी, जैसे घर वालों ने उसे अकेला छोड़ दिया हो, जैसे उसका कोई नहीं हो, बिल्कुल खामोश। तब से आज 9-10 साल हो गए मीठी मेरे साथ है। मीठी के केस को लेकर ही सही, मगर डॉक्टर अमित से अंजलि की अच्छी दोस्ती हो गई। आज बातों के बीच में ही संजीव का फोन आ गया, वो उसका बाहर इंतजार कर रहा है। इधर डॉक्टर अमित को भी अपनी पत्नी को पिकअप करने जाना है। जाते जाते वो अंजलि को एक राय दे गए, अपने काम से ब्रेक लेकर कहीं बाहर घुमाओ, ये स्ट्रेस जो तुम मन में दबाई बैठी हो, घर यूनिवर्सिटी और मीठी के बीच जो तुम्हारी जिंदगी घूमती रहती है, इसे थोड़ा ब्रेक देना जरूरी है। अब यहाँ मीलों दूर भूटान की पहाड़ियों पर एक परिवार छुट्टियां मनाने आया है। वो परिवार जॉयदीप का है। अचानक जॉयदीप की नजर दूर नदी किनारे खड़ी एक लड़की पर पड़ी। उसने उसे एक झलक में ही पहचान लिया। फिर वो अपनी पत्नी लक्ष्मी से किसी जरूरी काम का बहाना बनाकर वहां से निकल गया। दरअसल जॉयदीप ने जिस लड़की को देखा था वो और कोई नहीं, मीठी है। ब्रेक पर अंजलि और मीठी भी वहीं घूमने आए हैं। अब जॉयदीप चुपके से मीठी और अंजलि का पीछा करता है और इसी के साथ कहानी पीछे लौट गई, जब वो मिले थे और एक दूसरे के प्यार में पड़े थे। मीठी की हर बात, उसका बेफिक्रा अंदाज, उसका खुलकर हंसना नाचना, सब कुछ जॉयदीप को अपने ओर खींचता था। वो शादी के लिए मीठी के परिवार से जब हाथ मांगने गया, ऐसा नहीं था कि उसे मीठी के सिज़ोफ्रेनिया के बारे में बताया नहीं गया। उसकी हरकतें, दवाइयों की लिस्ट और यहाँ तक भी कि मीठी एक शादी जैसे बंधन को कितने समय तक निभा पाएगी या समझ पाएगी, मालूम नहीं। इन सारी चीज़ों से जॉयदीप रूबरू था, मगर फिर भी मीठी के साथ उसे कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि वो दिमागी रूप से बीमार है या दूसरों से अलग है। हाँ, एक आध बार अकेले में मीठी के साथ वक्त गुजारते हुए वो कहती थी कि कोई उसे देख रहा है, वो तभी आता है जब कोई नहीं देखता, मगर वो तो बहुत छोटी सी बात थी। परिवार की रजामंदी से धूमधाम से उनकी सगाई हुई और फिर अचानक एक दिन वो भयानक फोन आया, मीठी अस्पताल में है, और वजह जानकर जॉयदीप के होश उड़ गए। वो वहां गया तो सही, पर उसके मन में ढेरों उधेड़बुन चल रहे हैं। जॉयदीप का एक हिस्सा मीठी को अपनाना चाहता है, जबकि दूसरा हिस्सा उसे छूने से कतरा रहा है। आखिरकार वो अपने अंदर चल रही इस लड़ाई से हार गया। उसने मीठी की दी सगाई की अंगूठी लौटा दी और नजरें चुराकर एक चिट्ठी में सिर्फ माफी मांग ली, तुम्हें मुझसे बेहतर कोई और मिल जाएगा। अंजलि ने अकेले मीठी को संभाला और आज तक संभालती आई है। आज वही जॉयदीप एक बार फिर उनके दरवाजे पर खड़ा है। अंजलि ने उसे पहचान लिया, मगर समझ नहीं आ रहा है कि वो उससे कैसे पेश आए। अब वो बिल्कुल बदल चुका है, पहले जैसा नहीं रहा। 11 साल बीत चुके हैं। जॉयदीप ने पहले तो माफी मांगी और फिर मीठी के बारे में पूछा। इतने में मीठी कहीं से आकर सामने वाली बेंच पर बैठ गई, लेकिन जॉयदीप को देखकर भी मीठी ने उसे पहचाना ही नहीं और ये कहते हुए अंदर चली गई, मुझे मेरे बच्चे को तैयार करना है, मेरे हस्बैंड आने वाले हैं। जॉयदीप ने अंजलि से पूछा, किससे शादी हुई है उसकी? जवाब जानकर उसके तो होश उड़ गए। वो खुद को जोजो यानी जॉयदीप की पत्नी समझती है, जिनके 5 बच्चे हैं और वो सभी 15 पार्क एवेन्यू के घर पर रहते हैं। जॉयदीप और कुछ बोल ना सका और चुपचाप उठकर चला गया। घर जाकर उसने अपनी पत्नी से सारी बातें कही। पहले तो लक्ष्मी नाराज हो गई, ये क्या बात हुई, 10 साल पुरानी मंगेतर से मिलने जाने की क्या जरूरत आन पड़ी थी। फिर जब उसे मीठी के हालातों का मालूम पड़ा, उसके दिल की आग कुछ हद तक शांत हो गई। अब यहाँ मीठी की तबीयत अचानक से खराब हो गई। अंजलि अपनी पूरी कोशिश कर रही है कि सब ठीक रहे, लेकिन यहाँ आकर भी लगता है कुछ भी उसके हाथों में नहीं है। उसके ऊपर माँ के सवाल खत्म ही नहीं होते, वो भी तो बूढ़ी है, उसे डर सताता है अपनी बच्चियों के लिए, और अंजलि से नहीं तो किससे पूछेगी। एक उम्र के बाद हम अपने माँ बाप की जगह ले लेते हैं और वो हमारे बच्चों की। हालांकि संजीव भी आया है, मगर वो उनके साथ नहीं आया, अपने कजन्स और फ्रेंड्स के साथ आया है। उसे बुला लो तो वो आ ही जाए, मगर क्यों किसी को बार बार परेशान करना। इतने में दरवाजे की घंटी बजी, कहीं से फरिश्ते की तरह डॉक्टर अमित आ पहुंचे।
वो भी अपनी भागदौड़ भरी जिंदगी से थोड़ा वक्त निकाल लाया है। सही समय पर उसने मीठी का इलाज किया। अंजलि के मन से किसी ने मानो बोझ उतार दिया हो। मीठी को लेकर वो सिर्फ डॉक्टर अमित के साथ ही निश्चिंत हो सकती है। धीरे धीरे उनमें निजी बातें भी होने लगी। सबसे नजदीकी रिश्ता डॉक्टर अमित और उसकी पत्नी के साथ अब रिश्ता उस नजदीकी का नहीं रहा। अंजलि को ये बताने का कई मतलब निकल सकता है। खैर, कल अंजलि ने अपने घर पे एक छोटी सी दावत रखी है। यहाँ के कुछ दोस्तों के साथ संजीव भी रहेगा। वो चाहती है कि डॉक्टर अमित भी आए। वादा तो नहीं मगर कोशिश जरूर करूंगा, डॉक्टर अमित ने कहा। अगले दिन घर के मेहमानों से दूर रसोई घर में मीठी सबके प्लेट का बचा हुआ खाना खाने में व्यस्त है। तभी अचानक उसे अपने बच्चों की आवाज सुनाई देने लगी और वो दिमाग में भरी उन आवाजों का पीछा करते हुए बाहर तक आ गई। उसी और आ रहे जॉयदीप से वो जा टकराई। मीठी के दिमाग में तो वही 11 साल पुराना जोजो की छवि है। वो जॉयदीप में जोजो को तो नहीं देख पाई, हाँ मगर एक अपनापन सा जरूर महसूस करती है। उसने आहिस्ते आहिस्ते जॉयदीप को बताना शुरू किया। मेरे पति जोजो बगदाद से आ चुके हैं और बच्चे घर पे अकेले मेरा इंतजार कर रहे हैं, लेकिन मुझे उनके पास कोई जाने ही नहीं देता। हमारा घर है 15 पार्क एवेन्यू में। रास्ते के मोड़ पर एक सफेद घर, बड़ा सा आंगन जहाँ नीलांजना, नयनतारा, विक्रम, उर्मिला और सबसे छोटी अयोध्या। मेरी बड़ी बहन है ना अंजलि, उससे ना सब डरते हैं। वो मुझे कहीं नहीं जाने देती, काम पे भी नहीं। मैं एक जर्नलिस्ट हूँ ना, नहीं गई तो मेरी नौकरी चली जाएगी, फिर जोजो गुस्सा करेंगे। उसकी बातें सुनकर जॉयते बिल्कुल सन खड़ा है। ये तो बिल्कुल 11 साल पहले की बातें बोल रही है, जब सगाई के दिन उन दोनों ने बच्चों के नाम दिए थे। फिर मीठी बोली, तो मेरी मदद करोगे ना उस पते को ढूंढने में, मुझे वो घर मिल ही नहीं रहा। इधर पार्टी में आखिरकार डॉक्टर अमित आ ही गए। इतने मेहमानों के बीच अंजलि को बिल्कुल अंदाजा नहीं कि मीठी कहाँ है। पार्टी खत्म होने के बाद संजीव अंजलि से कुछ बातें बताने को रुक गया। उसने लंदन यूनिवर्सिटी का ऑफर लेटर एक्सेप्ट कर लिया है, इसीलिए भी क्योंकि वो कब तक इंतजार करता। ये रिश्ता कहीं नहीं जा रहा, अंजलि अपनी दुनिया में हमेशा के लिए फंसी रहेगी और समय निकलता जाएगा, तो यही जरूरी है कि वक्त के साथ आगे बढ़ा जाए। अंजलि ने दुखी मन से उसे शुभकामनाएं दी। इतने साल संजीव के साथ ने उसे बड़ा साहस दिया, नहीं तो पता नहीं वो ये सब अकेले कैसे कर पाती। खैर, ये रिश्ता भी यही खत्म हुआ। घर आकर अंजलि गहरी सोच में पड़ गई। अचानक उसे लगने लगा कि वो बूढ़ी हो चुकी है। वक्त आगे निकल गया और वो माँ बहन के लिए जिंदगी से पिछड़ गई। माँ भी बेबस है। सबकी जिंदगी यूं एक दूसरे के सहारे उलझी है कि समझ नहीं आता इस कश्मकश से कैसे निकले। शायद घर बसाने की खुशियां उसके भाग्य में नहीं, वो बस कुछ मर्दों की आंखों में अपने कभी ना पूरे होने वाले ख्वाब तो देख सकती है, पर उन्हें पूरा नहीं कर सकती। तभी काम करने वाली ने आकर बताया, मीठी दोपहर से घर पर नहीं है। उसे ढूंढते हुए अंजलि ने उसे जॉयदीप के साथ देखा। तुम यहाँ क्या कर रहे हो, वो बोला। मुझे नहीं पता मैं क्यों यहाँ बार बार आता हूँ। मुझे मालूम है माफी मांगना काफी नहीं, ऐसा हो जाएगा मैंने कभी नहीं सोचा था, पर आज मीठी ने मुझे एक पता ढूंढने को कहा है। उसे लगता है कि मैं उसकी मदद कर सकता हूँ। प्लीज मुझे उसके लिए इतना करने दे, शायद तब गर्दन उठाकर मैं मीठी से बात कर सकूंगा। घर पे माँ भी उसे देखकर चौंक गई, जोजो इतने सालों बाद। अब जॉयदीप लक्ष्मी से अनुमति लेने गया एक ऐसी लड़की की मदद करने के लिए जिसे वो 11 साल पहले मिला था। लक्ष्मी, हमारी सच्चाई है ये घर, तुम और मेरे बच्चे, लेकिन कोई मेरे साथ अपनी जिंदगी 11 सालों से कल्पना कर रही है, उसके पति और 5 बच्चों के साथ। मैं बता नहीं सकता मुझे कैसा लग रहा है, जैसे मैंने किसी और की सच्चाई में कदम रखा है। अगर तुम्हें मुझ पर विश्वास है तो मुझे उसका घर ढूंढने जाने दो, शायद तभी मैं पूरी तरह से अपने परिवार के पास लौट पाऊंगा। अब जॉयदीप कोलकाता की गलियों में मीठी के साथ 15 पार्क एवेन्यू ढूंढने चला। पीछे पीछे दूसरी गाड़ी में अंजलि और डॉक्टर अमित भी है। दुख की बात है कि ऐसी जगह शायद कहीं नहीं है। वो घूम घूम कर हर किसी से वो पता पूछने लगे। धीरे धीरे मीठी की हरकतों से भीड़ इकट्ठा होने लगी। जॉयदीप को समझ नहीं आ रहा है कि वो कैसे ये सब हैंडल करे, तो उसने अंजलि को फोन लगाकर बुलाया और जैसे ही पीछे मुड़ा तो मीठी गायब है। वो अचानक सबकी आंखों से मानो गायब हो गई।
इतने लोगों की भीड़ में किसी ने उसे कहीं जाते हुए नहीं देखा। अंजलि भी वहां आ गई। वो चीख चीख कर मीठी को पुकारने लगी, मगर अब मीठी किसी को नहीं मिलेगी, क्योंकि उसे वो 15 पार्क एवेन्यू पता मिल चुका है, जो रास्ते के कोने में एक बड़ा सफेद घर है, जिसके बाहर जॉयदीप और मिताली रॉय का नेम प्लेट लगा हुआ है, और बड़े से काले गेट के अंदर उसके सभी बच्चे खेल रहे हैं, और सीढ़ियों पर छोटी बेटी को गोद में लिए जोजो खड़ा है। वो सभी माँ को देखकर बहुत खुश हुए, बिल्कुल जैसे मीठी कहा करती थी। मीठी जैसे हवा में खुल गई, पता नहीं उसे जमीन निकल गई या आसमान खा गया, पर उस दिन के बाद से मीठी किसी को नहीं मिली। इसी के साथ ये कहानी यहीं समाप्त हुई। अब विदाई लेती हूँ, नई कहानी सुनाने फिर आऊंगी। तब तक इस वीडियो को ढेर सारा प्यार देते रहिएगा। बाय बाय, लव यू एंड टेक केयर।